हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे हमारे एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग शायद से देखे होंगे, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा कि मैं आया हूँ भागलपुर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भागलपुर। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने के कारण इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं दिखाऊँगा आज हॉस्पिटल का बाहर का नज़ारा। तो चलिए, मैं बैक कैमरा ओपन कर लिया हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ठीक हॉस्पिटल के मेन गेट वाला जगह के सामने का जगह है ये। तो अभी का लोकेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये मॉर्निंग का टाइम का ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, जैसे भी जहाँ से भी आप आएँगे, ऑटो पर बैठेंगे और बोलेंगे मायागंज हॉस्पिटल जाना है, तो आपको ठीक इसी हॉस्पिटल के सामने वाला गेट के पास ही वो आपको उतारेंगे और ईजिली आप उस अस्पताल में जा पाएंगे। और गाइस, इस हॉस्पिटल का मैंने काफ़ी सारा ब्लॉग शूट करके रखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं गांव जाऊंगा, उसके बाद इसको एडिट करके अपलोड करूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और देख पाएंगे। और इससे पहले मैंने एक दो वीडियो और बनाया है, नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी क्लिक करके उस भी ब्लॉग को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ब्लॉग बना है। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। सो ये है हॉस्पिटल का मेन गेट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लिखा हुआ है। तो ये है मेन गेट, और ये मेन गेट के सामने, और जैसे कि उधर देख पा रहे हैं, ये है सब कंप्यूटर नर्स सब आ रहे हैं अभी हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में नेम ये है कि टाइम बाय टाइम है, एनी टाइम आपको कंप्यूटर डॉक्टर मिल जाएंगे, जिसका जितने बजे तक टाइम है वो उतने बजे तक रहते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। और ये ठीक मार्केट जैसा है, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं, लाइक मांस वगैरह, पेन, बाल्टी, बर्तन, कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं अपना ज़रूरत के लिए, बाकी फल फूल भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर ढाबा काफ़ी सारा है गाइस, यहाँ पर खाना भी अच्छा मिल जाता है, आप इजीली यहाँ पर बाहर आके खाना उना भी खा सकते हैं, अपने मरीज को भी खिला सकते हैं, लाइक सिंपल खाना बनता है, कोई मीट मच्छी वगैरह नहीं बनता, सिर्फ सब्जी वाला। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के, शायद से आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कुछ भी। सो गाइस, तो हॉस्पिटल से बैक साइड में थोड़ा सा आ गया हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। ये मॉर्निंग का टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है देखने में भी। तो आई हो कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। एंड यह है पानी टंकी, ये हॉस्पिटल के अंदर ही है पानी टंकी, क्योंकि पानी का भी काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, पानी सही नहीं लग रहा है मुझे। आई थिंक गांव का पानी कुछ और था, जैसे कि मैं लुधियाना से आया हूँ तो वहाँ का भी पानी कुछ और था, बट गाइस यहाँ का पानी मुझे थोड़ा सा खारा जैसा लग रहा है, नमकीन जैसा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट कोई नहीं, बाहर पानी मिल जाता है, यहाँ पर 2-3 रुपये में भी पानी ले सकते हैं अपना बोतल लेके। तो देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे, अभी फिर से जा रहा हूँ हॉस्पिटल के और। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग घूम के आ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आया होगा हॉस्पिटल के बाहर वाला जगह, सारा कुछ मैंने वीडियो में कवर करने की कोशिश की। तो काफ़ी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड शेयर कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।